आप लोग कहेंगे सुंदरकांड आप क्यों बताते, सुंदरकांड का हमारा अनुभव है, तजुर्बा है कि सुंदरकांड संकट मोचन हनुमान जी का है जी। और आपका वर्तमान में संकट है कि आपके पति की आजीविका नहीं है, घर में शांति यही सब चल रहा है हाँ जी, तो हनुमान जी की कृपा से संकट दूर हो जाएगा। मंगलवार का व्रत तो ये करने लगे हैं, पिछले मंगलवार से करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए जी, ऐसा हमने पढ़ा है कि एक बार शराब पीने के बाद 6 महीने तक मनुष्य पूजन का अधिकारी नहीं होता। वो तो मंडे को पीते हैं और ट्यूजडे को व्रत रखते हैं, तो अब बताइए आप इसका क्या फल होगा, क्या सार होगा, ये तो हनुमान जी ही बता सकते, हमारी क्षमता में तो नहीं जी। परंतु ठीक है, जो रोज पीने वाले हैं उनके लिए क्या व्रत, क्या तपस्या, क्या उपवास, वो जो कह दें वही उपवास है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो लोग बाकायदा हमने देखा गणेश जी के कार्यक्रम में, दुर्गा जी के कार्यक्रम में, शिवरात्रि के कार्यक्रम में लोग बाकायदा पीकर नाचते हैं जी जी जी। उनकी यही भक्ति है कि पहले वो शराब पियेंगे, जूते पहनेंगे और उसके बाद फिर भगवान के सामने नाचेंगे। अब ये समझ में नहीं आता कि उससे अच्छा तुम भगवान के पास ना जाओ तो अच्छा, एक गलती और कर ले रहे। बिल्कुल। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते कुछ लोगों जी। लोग मनमुखी हो गए हैं कलयुग में। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसे पूर्व मुखी, उत्तर मुखी, पश्चिम मुखी मकान होता है जी। ऐसे लोग मनमुखी हो गए हैं, जिस तरफ मन करेगा उसी तरफ इनका मुख हो जाएगा, उसी तरफ चले जाएंगे। आपने देखा हो भगवान को छोड़ दिया, दुनिया के बाबा साधु संत पुजारी फकीर इनको पूजे पड़े हैं लोग जी। उनको जहाँ अच्छा लग गया उसी को पूजने लगे, कमाल है भाई। जिसका भजन अच्छा लग गया उसी का भजन गाने लगे, ये कौन सी बात जी। तो मनुष्य का अब जो हो रहा है वो तो भगवान जाने, इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना हमको, और हमारा विषय नहीं है, और हमारे बोलने से कौन सा आदमी सुधर जाएगा। लेकिन जो कर रहा है करने दीजिए, आप सुंदरकांड सुनिए, इससे आपका हित होगा और राहर की पत्तियां चढ़ाइए।